सबकी सलामती हो। मेरा नाम जाहिद नजीर भट्टी है, चेयरमैन हूँ पाकिस्तान माइनॉरिटी सिक्योरिटी काउंसिल का। लेकिन आज मैं यहाँ पर नुमाइंदगी करने आया हूँ जनाब आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की। आप सब जानते हैं जो आज का आपका डिमांड है आपकी कि हमें सिलेक्शन नहीं इलेक्शन दिया जाए, तो ये सिलेक्शन का निज़ाम जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम में आपको मिला, क्योंकि मेरा तल्लक जनरल परवेज मुशर्रफ की पार्टी से है। मैं पंजाब का सदर हूँ उनका। मेरी आज अपने चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब अशरफ करानवी साहब से बात हुई कि जनरल साहब के टाइम में दिया हुआ सिलेक्शन का जो निज़ाम है उसके खिलाफ रवादारी तहरीक आज प्रोटेस्ट कर रही है। तो वो लाहौर से बाहर थे, उन्होंने मुझे मुकर्रर किया कि आप जाकर उनके जो भी उनकी डिमांड है उस पर कानून के मुताबिक बात करें। तो मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूँ कि जनरल मुशर्रफ वो पर्सनालिटी हैं जिन्होंने आपको एफसी कॉलेज कैसा अदारा वापस किया। इस तरह की लातादाद चीज़ें हैं जो आपको टाइम कम होने की वजह से मैं गिनती नहीं कराना चाहता। लेकिन उन्होंने जब ये निज़ाम दिया तो सबसे पहले आपको कौमी धारे में शामिल किया और आपको जुदागाना ख़त्म किया और आपको वोट डालने का राइट दिया, आपको इलेक्शन लड़ने का राइट दिया। लेकिन उसके बाद हमारे नुमाइंदे उनके पास गए, क्योंकि अकलीतों को या मैंने मेजोरिटी वोट नहीं डालती तो काइंडली हमें जो है इसके साथ अपने नुमाइंदों की नुमाइंदगी का भी राइट दिया जाए। तो इस थोड़े टाइम में उन्होंने एक सिलेक्शन का निज़ाम दे दिया, लेकिन उनके सिलेक्शन के निज़ाम का हरगिज मकसद ये नहीं था कि आज की सियासी पार्टियां अकलीतों की मर्जी के बगैर अपने नुमाइंदे असेंबलियों में सिलेक्शन सिस्टम तो मैं आज अपने चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब अशरफ करानवी साहब की इजाजत से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आज अपनी भूख हड़ताल को ख़त्म करें। आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जरा प्लीज फ्लैग भी दे दें मुझे ताकि आगे जरा कर दें जी। आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पे आपकी सिलेक्शन हुई, मैं अपने लीडरान की इजाजत से ये आपसे वादा कर रहा हूँ कि हर उस इस काम में हम हर जगह पर आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपने फ्लैग लेके आपके साथ खड़ी होगी और हम ये सिलेक्शन सिस्टम को कट ऑफ करते हैं और हर प्लेटफॉर्म पर आपको मौजूदा निज़ाम को ख़त्म करके आपको कौन सा निज़ाम चाहिए जी? ये मौजूदा जो हमारा निज़ाम मखलूत चल रहा है इसके साथ साथ हल्का बंदियों के साथ इलेक्शन कराने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अकलीती नुमाइंदों की असम्बलियों में सिलेक्शन नहीं इलेक्शन के लिए रवादारी तहरीक की पंजाब असम्बली के सामने भूख हड़ताल में जाहिद नज़ीर भट्टी ने खसूसी शिरकत की। जाहिद नज़ीर भट्टी ने चेयरमैन रवादारी तहरीक सैमसन सलामत और उनकी टीम को कामयाब प्रोटेस्ट की मुबारकबाद दी और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग APML की नुमाइंदगी करते हुए रवादारी तहरीक के तमाम मेम्बरान को भूख हड़ताल ख़त्म करने की दरख्वास्त की और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद अशरफ करानवी का पैगाम दिया कि अकलियतों के इस जायज़ मुतालबा में हर प्लेटफॉर्म पर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके शाना बिशाना खड़ी होगी।